You will be, I am paying. कौन सा गांव है ये? जोर से बोलो जो माइक में। अभी आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करी है, ये कैसा महसूस करते हो आप लोग? बहुत ही गौरवान्वित। और अपने जीवन में कुछ इन महापुरुषों का योगदान महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है सर, बाकी आप लोगों को आगे बताएंगे। जय भीम। जय भीम। मेरा कार्य खेती का है, मैं खेती करता हूँ और बीएससी फाइनल है मेरी, हो चुकी बानवे में। किसी कारण नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, लेकिन बहन जी की तरफ से हमें ज़मीन मिली, 12 बीघे ज़मीन है और थोड़ी बहुत और बटाई पे लेके 21 बीघे ज़मीन जोतते बोते और अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मेरी बेटी एमकॉम कर चुकी है और बीटीसी में एडमिशन है। एक लड़का डीयू में बीएससी कर रहा है और एक लड़का आईटीआई कर रहा है। 3 बच्चे हैं और बाबा साहब के मिशन से हम जुड़े हुए हैं। बाबा साहब की हर बात को सबसे पहले हम अपने आप फॉलो करते हैं, दूसरों को जब कहते हैं, क्योंकि दूसरा हम तो उंगली उठाएगा कि आप बाबा साहब की बात तो करते हो लेकिन अपने यहाँ अपने आप खुद कंट्रोल नहीं करते। सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि जो मेरी बात को मानेगा वही इस देश में अपने मैया को पार लगाएगा, अपने परिवार को पढ़ा लिखाओ और बाबा साहब की बात को मानो। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं लगा। बाबा साहब ने 3 नारे दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हम बन गए हैं लेकिन दोनों का, दो जो नारे हैं उनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। संगठित हम हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगर हमारे मोहल्ले में 2 आदमी पढ़े लिखे हैं तो एक दूसरा एक के पास नहीं बैठ सकता, कहेगा कि मैं इससे ज़्यादा एजुकेशन हूँ और वो कहेगा मैं इससे ज़्यादा एजुकेशन हूँ। उनमें दोनों में घमंड आ जाएगा, संगठित हमें नहीं। और संघर्ष बाबा साहब ने कहा है गलत विचारों से संघर्ष करना है, हम उसमें भी असफल रहे क्योंकि गलत विचार हमारे शुरू से ही रहे हैं। सबसे पहला काम है हमारा गंदा खाना, मतलब गंदा खाने से मतलब है कि मीट इसे छोड़ दो, मांस को और मंदिरा को छोड़ दो। मांस मंदिरा को छोड़ने पे हमारे परिवार का आधा खर्चा ऑटोमेटिक अपना आप चल पड़ेगा क्योंकि हमारे समाज में अगर 100 लोग हैं 50 उसमें शराब पीने वाले हैं और 60 आदमी ऐसे हैं जो मांस खाते हैं। अपनी कमाई का लगभग 40% हिस्सा हम इसी बेकार खाने में डालते हैं क्योंकि और भी हैं जो इस खाने से अलग हैं। ये नहीं है कि इसी खाने से हमें बुद्धि और बल मिलेगा, नहीं। दूध है, दही है और मेवा मिष्ठान है, उन्हें खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। सबसे पहला यह है कि बच्चों को सबसे पहले एजुकेटेड करो, चाहे कुछ काम हो या ना हो अपना। अपने खर्चे में हमारा 100 रुपये में खर्चा चल रहा, हम 20 रुपये में खर्चा चलाएंगे लेकिन 80 रुपये बच्चों पर खर्च करेंगे। तब तो हम बाबा साहब की बात को मानते हैं वरना नहीं। तो इसी के साथ सभी को जय भी मनाते हैं। सभी को जय भी। दोस्तों हम आपके गांव में आज लगभग चौथी दफा। तो आप लोग एक बात बताइए, हम लोग जो विषय में आते हैं लगा भाई, आप लोग उस विचारधारा का थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हो कि भाई ये लोग क्यों आते हैं? ओलड़ी के अंदर पिछले हमने जुलाई में 30 जुलाई को प्रोग्राम करा था, विषय था सामाजिक धार्मिक एंड राजनीति।
तो कितने भैया गए थे ऐसे वहाँ बताओ जरा। आप गए थे भाई साहब की, छोड़ दो बात है भाई साहब की, नहीं हो रही बात, हो रही है हर आदमी की, व्यक्ति की स्वयं, ये नहीं कि भाई मैं एक बार जा गया पूरा देश जा। तो आप सब लोग जब यहाँ आपके नाम रखता है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आप यहाँ से निकल कर वहाँ नहीं जा रहे हैं, देश के अंदर क्रांति ला सकते हो तो चलिए। हमें 2 तारीख जो 2 अप्रैल है, इसमें कितने भाइयों ने बहनों ने हिस्सा लिया था जरा बता दो। दो ही आदमी है इस देश में एससी एसटी, कोरे गांव में 1 जनवरी को हमारे ऊपर अटैक शुरू हुआ था इस साल, नॉलेज तो हो गया आप लोगों को जानकर। अभी हमारी बहनों ने ये बताया हम टीचर बनना चाहते हैं, पर माइक पे बोलना नहीं जा रहा है टीचर बनने। हमारा मनोबल कहाँ जा रहा है, कोई खा रहा क्या? मैं आपके गांव में से जो हमारे बार बार से जो लोग आते हैं या आप लोग ही रहते हो, यहाँ ब्राह्मणों का काम बताया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण है इस गांव में, उनसे कुछ चीज सीखी आप लोगों ने? नहीं। उनके बच्चे कितनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके अंदर कितना मनोबल है और हमारे अंदर कितना मनोबल है? कभी कोई व्यक्ति अगर देश में क्रांति कर रहे हैं तो उन लोगों का हम लोग क्या सोचते हैं? इस मायने के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 4 हमारे लिए त्याग है, 4 संघर्ष। अब ये बताओ आप लोगों में कितने लोग जानते हो? अनपढ़ों से तो कोई सवाल न करा गया, पढ़े लिखे से करा गया कि भाई जब तुम पढ़ने वाले लोग हो, MSc, MEd, BEd, MCom, BCom, तो हमें ये बताइए जब आप लोगों को अपने इतिहास की पता नहीं है तो आप अपने इतिहास में बताओगे कैसे? ऊना पैक्ट कौन सी डेट में हुआ था? 1932। ऊना पैक्ट भी इसी महीने में हुआ था, हिंदू कोड बिल भी पास हुआ था, ठीक है, और 2 अधिकार और इसके अंदर महत्वपूर्ण है। 101 वर्ष हो जाएगा संकल्प डे इसमें 24 तारीख को, और समता सैनिक दल की स्थापना भी 24 सितंबर को की गई। अब ये बताइए आप लोग हम कैसे काम करेंगे देश? 19 में हम सपना देख रहे हैं जीवन कि भाई हमें PM बनना है और सपना में साकार भी करना है। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के महापुरुषों ने हमें दिया है उसके लिए क्या करते हो? फर्ज है आप लोगों के समाज के खिलाफ उसमें या नहीं है? समाज को कुछ देना चाहते हो या नहीं? बिल्कुल देना चाहते हैं जी। भाई एक महापुरुष ने हमारे लिए सारा जीवन नष्ट कर दिया, हम एक ही महापुरुष की बात करें, महापुरुष तो बहुत सारे हैं, हमें उसके संघर्षों का पता नहीं है। और पूरा देश एक बात कहता है कि हम माने हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम माने हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं इसी में रहा तो चलो फोटो खींच के मुझसे। अब मेरा प्रूफ मिलेगा आपको प्रतिदिन शाम को किस गांव में कितनी था हमारी एजुकेशन है, कितनी हमारी सोच अच्छी है और कितने अच्छे हम हैं देश के अंदर और समाज के अंदर। उसे शाम को आप क्लिक करो ना तुरंत मिल जाएगी रिपोर्ट कि ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारी पोस्ट है, ये हमारे विचार है, ये हमारे मनोबल है। तो ये बताइए इस देश के अंदर हम रह रहे हैं, 20-22% आबादी है हमारी, एजुकेशन भी है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं देश में? आपको यूं पता है, यूट्यूब तो चलाते होगे सब लोग, कितने अटैक हो रहे हैं आपका देश में? अटैक का मतलब ये नहीं होता कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा था, वो मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, जो समाज पर अटैक होता है उस पर अटैक। अगर ये देश के अंदर जितने संगठन हमारे काम कर रहे हैं, अगर 2 अप्रैल को हम भारत बंद नहीं करते तो क्या आपके राइट बच जाते? हाथ उठाओ जरा बच जाते हैं?
कितने हमारे सरकारी आदमी, प्राइवेट आदमी, मजदूर आदमी दिन रात गांव गांव जा जाकर जागृति मचा रहे कि भाई अपनी अधिकारों की रक्षा करो, क्योंकि साहब काशीराम ने कहा है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें तो छीनना पड़ेगा, छीनने पड़ेगा। तो आप सब लोग ये बताइए कि हमारी बात का, अगर हम बार बार यहाँ आते हैं, इससे बीच में तो हम कभी नहीं आए आपके पास, किसी वोट के लिए आए हों, कभी नोट के लिए आए हों, कभी सपोर्ट के लिए आए हों, आए कभी किसी के लिए, किसी फालतू बात के लिए कभी आप लोगों को फोन करो? तो क्या आप लोगों का फर्ज है समाज के लिए या हमारे फर्ज है केवल? अब ये बताइए कि 30 तारीख का प्रोग्राम है ये आपके, आप सब लोग इसमें आओगे या नहीं आओगे? आएंगे। है जी? आएंगे। देखो हमारा रजिस्टर बता देता है कि किस गांव से कितने लोग आए हैं, और अब यहाँ का रजिस्टर भी लेके जाएंगे कि कितने आदमी वहां मौजूद है जब हम वहां बोल रहे थे। तो आप इसमें अपना नाम, गांव और मोबाइल नंबर, वो हो जाएगा, घूम जाएगा ना। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, सुंदर हो, इस स्थिति में कैसे आए, तो उस चीज के बारे में चिंतन करो थोड़ा। 24 सितंबर 1932 को हमारा पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें हमारे 7 राइट पास हुए थे और 8वां राइट हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है ना शरीर पर, जिसको हम खड़े हैं, उसे मिस्टर गांधी खा गया था। ये हमारे लिए सबसे घातक होता इस देश, वरना इस देश के अंदर अगर हमारा वो कानून पास हो जाता तो किसी की माना दूध नहीं किया जो हमारे बिना देश में सरकार देना चाहती। 131 हमारे सांसद होने के बाद में भी हमारे अधिकार थे, वो उस पूना पैक्ट की बदौलत। तो आप लोग सब क्या बोलते, कितने लोगों को आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जोड़ रखा, कितने लोगों को आप लोगों ने फेसबुक पे जोड़ रखा, कितने लोगों को आप रिप्लाई कर रहे हो, कितने महापुरुषों के विचार कर रहे हो, अपना सबके हाथों में कंगने बन रहे, पूरे देश से पूछ लो। हम मनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, हम सबसे ज्यादा मानते हैं। जानना और मानने में फर्क होता है। किताब लिया है जी? हाँ किताब लिया है, जब तक पढ़ेंगे नहीं उसके नॉलेज क्या है। तो इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर हमारा एक निवेदन है कि ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें 20-25 गांव के लोग उपस्थित होंगे, जितने आएंगे हमारी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं, पानी मिलेगा पीने के लिए, खाना भी बंद करवा दिया, तो कोई खाना नहीं मिलेगा, जो आएगा वो वहाँ पानी पियो, बात सुनो और अपने घर। बुद्ध कहते हैं एक बात को 3 बार कहते हैं, जो मान जाए ठीक है, नहीं तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उस पर अपनी सिद्धि नहीं लगानी चाहिए। अब आप लोग हमें ये बताइए कि दिन रात मनुवादी लोग आपका अटैक करते हैं, इनका आरक्षण खत्म करो, इनका प्रमोशन खत्म करो, इनका ये खत्म करो, उनका ये खत्म करो, आप लोग कितना आंदोलन कर रहे हो समाज के लिए भाई इनका खत्म करो, क्या कर रहे हैं हम कभी? भगत सिंह तो होगा पड़ोसियों के घर में पैदा, और हमारे घर में नेहरू पैदा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का हमारा बनने, और फांसी लगा था पड़ोसी के लौंडे को, हम अपने घरों में भगत सिंह को नहीं पैदा करते। 1 लाख लोग अरेस्ट हुए 2 अप्रैल में, इसमें 1 महीने मैं भी रखा है, योगेश वर्मा परसों को आ रहे हैं, मेयर नरेश जाटव जी छुटे हैं, मोहन और बहुत सारे नाम चिन्ह जो सब जगह से हाइडलिस्ट हुए, एक जितने देश के अंदर संगठन रहे हैं सभी ने कार्य करा, समाज को नेतृत्व करा, बढ़ चढ़ कर हिस्सा। तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज है, क्योंकि जब हम पर अत्याचार होते हैं ना, तभी हम एक जगह बैठते हैं, नहीं दुनिया में हमसे बड़ा कोई संस्था नहीं। आप काशीराम जी का जो वो दे रहे उनके प्रवचन थे वो 100% सिद्ध होते, तो क्या आप सब लोग आएंगे वहाँ? आएंगे। है जी? आएंगे। देखो किसी भी कार्य को करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, तन मन और। तो अगर आप लोगों को ये जो विचारधारा हम फैला रहे हैं, और जो हमारे से अलग भी लाखों लोग फैला रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी बात को सुना करो, कोई भी व्यक्ति आए अपना सभा खड़ा करता है, किसी को कोई पूरे देश के अंदर कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा,
तो आप सब लोगों का ये फर्ज है कि अगर आप लोग जो भी व्यक्ति हमसे अलग भी आए कोई भी, तो उसका आदर सम्मान के साथ उसकी बात स्वीकार करो और वो अपना समय लगा कर समाज को जागृत करो। तो उसकी जो भी आप लोगों से मदद हो वो मदद करो फाइनेंस। चाहे आपके 10 रुपये बनते हो आप 10 रुपये दे दो, 100 रुपये बनते हो 100 रुपये दे दो, 1000। हेलो, लेकिन बिना पैसे के वो आदमी कब तक चले? पहले भी कहा रॉन्ग नंबर है, फिर मिलाए जा रहे हो। तो इसलिए आप सब लोगों को मेरा निवेदन है कि 30 तारीख का दिन है और आप सब लोग मुझे अपना नंबर लिख कर देंगे, जो वीडियो आपके पास आएगी उसे आप शेयर भी करोगे, उसे देखोगे भी और दूसरों को दिखाओगे। हमने एक चैनल इसीलिए बनाया है, उसका नाम रखा हमने सम्मान एक अधिकार। जो देश के अंदर लड़ाई है वो सम्मान की है, सबसे पहले तो सम्मान ही है। तो आप सब लोग उसे लाइक भी करेंगे और आगे तक भेजेंगे। ये सिर्फ यही काम करेगा कि आज मैंने यह सभा लगाई है तो कल को आपको मिलेगी कि हाँ भाई हमारी ये चीज़ आ गई और आपको देख कर दूसरों लोगों का मन तो इसमें सामाजिक व्यक्ति लोग आएंगे सम्मानित, मास्टर डॉक्टर वकील जो भी आएंगे, आप सब लोग जयकार। 9 बजे का मैसेज आपके पास कल आएगा, एक कौन वक्ता आ रहा है कौन नहीं आ रहा है सबका पूरा मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आ गया। 9 बजे संडे का टाइम है और इसी संडे का करने जा रहे थे लेकिन टाइम की वजह से हमने थोड़ा सा आगे कर दिया। तो 30 तारीख का दिन रख दिया। हाथ जोड़ का हमारा निवेदन है कि अगर हमारे दोनों के लगते हैं तो आप लोगों के भी कुछ लगते हैं। तीस तारीख याद रखो, बस 30 तारीख। आप सब लोग आप भी आइए और आना। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है कि सपने वो साकार होते हैं जिन्हें देख के नींद ना आए, वो कभी सपने साकार नहीं होते जिन्हें देख के नींद आ जाए। अगर सपना देखा नींद ना आई ना आपको तो वो साकार नहीं होंगे। जब रातों को जागोगे ना पढ़ोगे, नींद हराम करोगे, जब टीचर बनोगे, नौकरी पाना आज की डेट के अंदर ऐसा है आसमान में से तारे तोड़ना, नौकरी मिल कहाँ रही है बताओ। तो अपनी एजुकेशन ठीक ठाक से पढ़ो और ज्यादा ठीक है, और आपस में जब भी एक दूसरे को आप लोग संबोधित करें तो विचार तो आप मानने गए महापुरुषों के, लेकिन कम से कम एक दूसरे को मानने और साथ कर ताकि साहब का श्री राम का नाम हमारी जुबान पर एक सम्मान के साथ बोले मान्य होता है, मान्य होता है आइए मान्य होता है, ठीक है ना। वो दुकानें बंद कर दो जो इनके टाइम की थी, दीदी आएगा आया राम राम जी फला ठिकाने दी, इन्होंने हमारा बहुत तगड़ा नाश करा है, इन्हें आप बंद करो। हमारे इतने महापुरुष हैं, साहब काजीराम की बोलो, ज्योतिबा फूले की बोलो, बाबा साहब की बोलो, भगवान बुद्ध की बोलो। गौतम जी ज्यादातर बच्चे जो हैं जय भीम करेंगे तो आपका सीना चौड़ा ही होगा, रुकेगा नहीं। और 2 अप्रैल की क्रांति आपको हम बता दें भारत के अंदर पहली क्रांति है कि जब से हमारा संसार में इतिहास बना है कभी इन्होंने क्रांति नहीं करी। तो आप सब लोग इसमें आइए, आप सब लोगों का स्वागत है। बैठने के लिए कुर्सी भी मिलेगी, पीने के लिए पानी भी मिलेगा, बोलने के लिए वक्ता भी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। कहाँ ना पड़ेगा जी? है जी, यूरो तुम्हारे पड़ोस में ही आ रहा हूँ। ठीक है साहब, एक बार जरा आप सब लोग ऐसा आ जाओ हमारे साथ में, एक आप लोगों का फोटो हो जाएगा और हम आगे। और आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, बच्चों का चाहे 10, 20, 50 जो भी हो आगे लेके जाएंगे। आज कर लेना आज अपने बच्चे छोटे हैं वो आगे हो जाओ, थोड़े छोटे आगे हो जाओ। हाँ बेटा आओ, आओ बाबू आओ, आप भी उधर आओ। नहीं 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 इधर को आओ, इधर को आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, महंगे आ जाओ, आप इधर मुंह उगाड़ो, बाबू मुगाड़ो, मैं तेरा भाई हूँ। अब फोटो खिंचवाने का फायदा क्या होगा, हम तो भाई हैं उसके।
जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत साधु आप लोगों का, आप लोगों ने हमें इतना समय दिया और मास्टर जी का तहे दिल से साधुवाद है कि भव्य वालों ने आज के प्रोग्राम के लिए आने की यस करी। धन्यवाद आपका बहुत है। हाँ जी आपका बहुत है, गांव गांव जा करके लोगों को जगा रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। ठीक है साहब, बच्चों का हाँ बच्चों का ले लिया ना, इन्हें कैसे नहीं लेंगे, ये तो हमारी अनार कड़ी है, कल कोई ना बनना है बाबू को।